हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने अपना शुरू किया था आईटीसी टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, और सेक्शन 16 जो है वहां पर हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास में करते हैं बेटा आगे के प्रोविजन चैप्टर के। चलिए शुरू करते हैं। अर्लियर बेटा हमने सेक्शन 16 पढ़ा था। सेक्शन 16 ने कुछ कंडीशंस बताई थी, जहां पर उसने बताया था कि कौन से ऐसे केसेस हैं कि असेसी जो है अपना इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है। ठीक है बेटा, आज जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा सेक्शन 17। सेक्शन 17 बताएगा कौन सी ऐसी सिचुएशन है या केसेस है जहां पर असेसी जो क्रेडिट ले रहा है वो कंप्लीटली नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। उसका कुछ पोर्शन जो है वो क्रेडिट मिलेगा, कुछ पोर्शन असेसी को क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा। साथ ही ये उन केसेस की भी बात करेगा जहां पर क्रेडिट जो है असेसी को नहीं दिया जाता इनपुट टैक्स का। ठीक है बेटा, सेक्शन 17 के साथ साथ बेटा हम तीन रूल को भी आज कवर करेंगे, रूल नंबर 38, रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43। तीनों रूल जो हैं सेक्शन 17 के साथ ही बेटा पढ़े जाते हैं। सेक्शन 17 को बेटा हम एनालिसिस के साथ करेंगे, ताकि हम रूल के जो प्रोविजंस हैं और सेक्शन के प्रोविजन हैं दोनों को कंबाइनली हम पढ़ लें। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं बेटा हमारे एग्जाम में, वो आईटीसी चैप्टर में से सेक्शन 17 के साथ रूल नंबर 38, 42 एंड 43 को मर्ज करके ही बेटा, कंबाइन करके ही एग्जामिनर बनाया करता है। तो ये सेक्शन जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए बेटा बात करते हैं सेक्शन 17 की। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सेक्शन 17 अपोर्शनमेंट करता है क्रेडिट का? द सिचुएशन रिक्वायरिंग अपोर्शनमेंट आर एज फॉलोज। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो है बेटा, ये दो कंडीशन डिफाइन करते हैं जहां पर आईटीसी जो है अपोर्शन किया जाएगा। व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन आर पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पसेस। देखिए सबसेक्शन 1 बात करता है कि जहां पर गुड्स या सर्विसेज यूज की जा रही है रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू, पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर अदर पर्पस, तो उस केस में जो आईटीसी है वो अपोर्शन कर दिया जाएगा उन गुड्स या सर्विसेज के रेस्पेक्ट में। सेकेंड, द गुड्स एंड ओ सर्विसेज आर यूज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज एंड पार्टली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। देखिए जो गुड्स या सर्विसेज हैं रजिस्टर्ड पर्सन बेटा यूज कर रहा है अपने बिजनेस में, वो उन्हें यूज करता है टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए भी। जैसे बात करें बेटा एक एग्जाम्पल की, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने एक रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रॉ मटेरियल से असेसी जो है टैक्सेबल सप्लाईज भी बना रहा है बेटा, और उससे वो एक ऐसा गुड्स भी बना रहा है जो वो एक्सपोर्ट करता है, ये जीरो रेटेड सप्लाई में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, साथ ही उस रॉ मटेरियल को बेटा वहां पर भी यूज कर रहा है जहां पर सप्लाई जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो इस केस में भी बेटा जो आईटीसी असेसी ने लिया है उस रॉ मटेरियल पर, वो बेटा अपोर्शनमेंट होगा उस आईटीसी का। ठीक है, इन केसेस की बेटा ये बात करता है। आइए नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को करते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज, ही गेव 50 पेयर ऑफ शूज फॉर हिज फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू सच 50 पेयर ऑफ शूज बीइंग यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस विल नॉट बी अवेलेबल। देखिए एग्जाम्पल क्या बात करता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो शूज के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, वो 50 पेयर शूज जो है अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। तो ये जो 50 पेयर उसने बेटा अपने फ्रेंड को गिफ्ट किए हैं, इन 50 पेयर पर जो आईटीसी होगा उसे अवेलेबल नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा? नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट एक्स चार्जेबल टू 18% जीएसटी, अ प्रोडक्ट वाई चार्जेबल टू निल रेट ऑफ टैक्स एंड अ प्रोडक्ट जेड which is exported without payment of tax under bond. All the three products are manufactured from common input and input services. देखिए क्या बात कर रहा है एग्जाम्पल की, एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो मैन्युफैक्चर करता है बेटा प्रोडक्ट एक्स, जिस पर जो जीएसटी एप्लीकेबल है 18% के रेट से एप्लीकेबल है। साथ ही प्रोडक्ट वाई भी बनाता है वो, जिस पर जीएसटी जो लगता है निल रेट से, और प्रोडक्ट जेड जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया करता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड। तो प्रोडक्ट जेड जो है वो क्या है बेटा? जीरो रेटेड सप्लाई।
प्रोडक्ट वाई क्या है, वो है एग्जेम्प्ट सप्लाई, और प्रोडक्ट एक्स क्या है बेटा, टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है। आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट वाई बीइंग एन एग्जेम्प्ट सप्लाई विल नॉट बी अवेलेबल। देखिए बेटा, सेक्शन ने जो बात की थी वही यहाँ पर एग्जाम्पल ने बताया कि जो प्रोडक्ट वाई की रिगार्डिंग इनपुट या इनपुट सर्विसेज हैं उनके रेस्पेक्ट में बेटा क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब समझते हैं कि जो अपोर्शनमेंट किया जा रहा है क्रेडिट का वो कैसे किया जाएगा। इस केस में बेटा रूल 42 जो है सीजीएसटी रूल्स का वो डिफाइन करता है कि अपोर्शनमेंट जो होता है क्रेडिट का वो कैसे किया जाता है। स्टेप वन, कंप्यूट कॉमन क्रेडिट। ये जो टेबल है बेटा ये डिफाइन करती है कि कॉमन क्रेडिट कंप्यूट कैसे किया जाता है। बारी बारी से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। नंबर वन, टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व्ड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड। जितना भी टैक्स बना इनपुट पर या इनपुट सर्विसेज पर एक टैक्स पीरियड में, उसे आप नोट कर लीजिए एक जगह, ठीक है बेटा, वो कहलाएगा टी। लेस, अब उसमें से रिड्यूस कर दीजिए। क्या रिड्यूस करें, जो इनपुट टैक्स लगा है इनपुट या इनपुट सर्विसेज पर, और ये जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज यूज़ की गई है ये किस पर्पस के लिए यूज़ की गई है, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, यानी बेटा 100% नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ की गई है, उस इनपुट या इनपुट सर्विस पर लगने वाले टैक्स को टी में से रिड्यूस कर दीजिए। और ये जो टैक्स है बेटा जो हम रिड्यूस कर रहे हैं ये कहलाया हमारा T1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेस, अनदर अमाउंट रिड्यूस करने की बात की जा रही है। इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर इंटेंटेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज की जाएगी, 100% एग्जेम्प्ट सप्लाई, उनसे केवल और केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई ही बनेगी, एक्सक्लूसिवली है बेटा, ठीक है, तो उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो भी बेटा टी में से रिड्यूस कर दीजिए, और ये टैक्स क्या कहलाया, T2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेस, थर्ड अमाउंट लेस करनी है। इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज विच आर इन एलिजिबल फॉर क्रेडिट, उसे अब रिड्यूस कर दीजिए। देखिए बेटा, ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 डिफाइन करता है व्हाट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट, वो हम करेंगे अभी। वहाँ पर हम डिस्कस बेसिकली किया करते हैं कि कौन से ऐसे इनपुट या इनपुट सर्विसेज हैं जिन पर बेटा क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है बेटा वो क्या रिड्यूस करने की बात कर रहा है, वो बात करता है इनपुट टैक्स है इनपुट या इनपुट सर्विसेज पर जो बेटा इनएलिजिबल है क्रेडिट के लिए, यानी जो ब्लॉक क्रेडिट है उसे भी आप रिड्यूस कर दीजिए। ये हमारा टैक्स कहलाया T3, और तीन अमाउंट रिड्यूस करने के बाद जो आता है वो कहलाता है ITC, क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है बेटा, बेसिकली उसमें क्रेडिट होता है ITC। अब ये अमाउंट हमारी क्या बची बेटा, ये है ITC, क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बात करता है कि अब उसमें से रिड्यूस कर दीजिए। क्या रिड्यूस करने की बात की जा रही है बेटा, वो इनपुट टैक्स रिड्यूस कर दीजिए जो उन इनपुट या इनपुट सर्विसेज पर लगा है जो 100% यूज हो रही है टैक्सेबल सप्लाईज को बनाने में, और साथ ही जीरो रेटेड सप्लाईज में, ठीक है। यानी बेटा टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में जो भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज यूज्ड हुई हैं उन पर लगने वाला जो टैक्स है उसे भी रिड्यूस कर दीजिए। ये हमारा टैक्स कहलाया T4। अर्लियर जो ITC क्रेडिट हुआ था बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो क्या था, C1। अब C1 में से T4 हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन ITC अवेलेबल फॉर अपोर्शनमेंट। अब ये जो ITC है बेटा इसे अपोर्शन किया जाएगा, समझ आ गया। तो कॉमन क्रेडिट निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितना भी हमारा बेटा क्या है ITC है पूरे इनपुट या इनपुट सर्विसेज पर, वो हम अमाउंट को एक जगह लिख लेंगे। फिर उसमें से हम T1 रिड्यूस करेंगे। T1 क्या है बेटा, वो इनपुट टैक्स है जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज पर लग रहा है जो यूज हो रही है एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस में से, ठीक है। फिर T2 रिड्यूस कर देंगे। T2 क्या है, इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर इंटेंटेड टू बी एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। जो हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसमें यूज हो रहे हैं बेटा वो इनपुट और इनपुट टैक्स, तो उस पर लगने वाला टैक्स T2 वो भी रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट हम रिड्यूस करेंगे वो इनपुट टैक्स जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज पर लग रहा है जो इनएलिजिबल है क्रेडिट के लिए, उसे हम रिड्यूस करेंगे T3। बैलेंस जो अमाउंट आएगी वो आएगी हमारी C1, वो कहलाएगी ITC क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है।
नेक्स्ट अब इसमें से T4 रिड्यूस कर दीजिए। T4 क्या है? इनपुट या इनपुट सर्विसेज पर जो 100% यूज हो रही है टैक्सेबल सप्लाई के लिए और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, ठीक है बेटा। बैलेंस जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा कॉमन ITC अवेलेबल फॉर अपोर्शनमेंट, ठीक है। अब इसे बेटा एक एग्जाम्पल से करते हैं, फटाफट से क्लियर हो जाएगा प्रोविजन। एग्जाम्पल हमारी ही बुक में दिया हुआ है, देखिए। इजी फुटवेयर जो है बेटा एक मैन्युफैक्चरर है हवाई स्लीपर्स का और 5 अदर वेराइटीज ऑफ अदर सैंडल एंड शूज। इजी फुटवेयर एक मैन्युफैक्चरर है बेटा, 2 वेराइटीज वो बनाता है, एक बनाता है हवाई स्लीपर्स और दूसरा वो सैंडल्स और शूज बनाया करता है। क्वेश्चन में प्रोवाइड कराया गया कि जो हवाई स्लीपर्स हैं उन्हें अज्यूम करिए कि उन पर GST नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट, डाइज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल फुटवेयर। डाइज जो होती है वो यूज होती है फुटवेयर, सभी तरह के फुटवेयर को बनाने में मैन्युफैक्चर के द्वारा। डाइज क्या बेटा? हमारी इनपुट है इस केस में, ठीक है। हाउएवर ब्राइट पिंक इज यूज ओनली फॉर वन ऑफ द हवाई वेराइटीज एंड ब्लैक इज यूज ओनली फॉर द सैंडल एंड शूज। अब बेटा ब्राइट पिंक जो है वो केवल और केवल हवाई वेराइटी के लिए यूज होती है और ब्लैक जो है वो यूज होती है सैंडल एंड शूज के लिए। इतनी इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं। आइए, हवाई स्लीपर्स को बेटा एग्जेम्प्ट बताया गया है। हवाई स्लीपर्स ये क्या है हमारे? ये है बेटा एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी क्या बनाती है? सैंडल्स एंड शूज बनाया करती है, सैंडल्स एंड शूज। और इन दोनों को बनाने में क्या लगता है? डाइज का यूज होता है, ठीक है। अब डाई की उन्होंने वैरायटी बताई है बेटा, उन्होंने बोला है कि जो ब्राइट पिंक है, ब्राइट पिंक किस लिए यूज़ होती है बेटा? ब्राइट पिंक जो यूज़ होती है वो हवाई स्लीपर्स में यूज़ होती है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट वो बात करते हैं कि जो ब्लैक है वो सैंडल और शूज़ में ही होती है इस्तेमाल। जो ब्लैक डाई है बेटा वो सैंडल और शूज़ में इस्तेमाल होती है, सैंडल्स एंड शूज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ब्लू एंड येलो आर यूज फॉर ऑल द वैरायटीज। जो ब्लू एंड येलो है बेटा, ब्लू एंड येलो, ब्लू और दूसरी कौन सी है बेटा? दूसरी है येलो। ये दोनों कहाँ इस्तेमाल होती है? ये सारी वैरायटीज में यू इस्तेमाल हो जाती है, इन ऑल वैरायटीज, यानी सैंडल में भी हो रहे हैं, शूज में भी हो रहे हैं, सारी जगह इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज, ब्राउन इज यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पजेज। जो ब्राउन है बेटा, ब्राउन कलर की डाई, वो कहाँ यूज होती है? नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज होती है। आइए इसे भी लिख लेते हैं। तो हमारी जो ब्राउन कलर की डाई है वो किस लिए यूज होती है बेटा? नॉन बिजनेस पर्पज, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है? इन इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ। अब उसने डिटेल दी है बेटा ड्यूरिंग द मंथ की, कि इनवर्ड सप्लाई में क्या क्या रिसीव हुआ है। इनपुट टैक्स ऑन ब्राउन डाई 10,000, इनपुट टैक्स ऑन ब्राइट पिंक डाई 90,000 और इनपुट टैक्स ऑन ब्लैक डाई वो कितना बेटा? 40,000। इनपुट टैक्स ऑन ब्लू डाई 1,00,000, इनपुट टैक्स ऑन येलो डाई 15,000। तो टोटल इनपुट टैक्स कितना बना बेटा? 2,55,000। आइए फटाफट से जो मैंने आपको स्टेप कराए थे करते हैं उसके अकॉर्डिंग। हमारा टी क्या बना है यहाँ पर? टी हमारा बना 2,55,000। तो फटाफट से एक बार अपनी टोटल अमाउंट जो है वो लिखते हैं। आइए, टोटल इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कितना बना बेटा हमारा? टोटल इनपुट टैक्स का क्रेडिट ये हमारा बना बेटा 2,55,000, ठीक है बेटा। तीन तरह की जो डाई है, ब्राइट पिंक, ब्लैक और ब्राउन, ये तो बेटा तीनों के तीनों एक्सक्लूसिव पर्पस के लिए उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। तो T1 हमारा क्या हुआ करता था बेटा, याद करिए। देखिए T1 होता था हमारा वो इनपुट टैक्स जो इनपुट या इनपुट सर्विस पे लग रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। तो फटाफट से T1 बेटा रिड्यूस कर दीजिए, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं T। अब माइनस कर देंगे बेटा इसमें से T1। T1 हमारा क्या था? ITC यूज्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, इनपुट या इनपुट सर्विसेज, IS लिख देता हूँ बेटा, फॉर एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पजेज, नॉन बिजनेस पर्पजेज। कितना है बेटा ब्राउन का? देखिए फटाफट से क्वेश्चन में,
क्वेश्चन ने दिया हुआ है ब्राउन डाई के लिए, बेटा ब्राउन के लिए है 10,000 रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है बेटा 10,000 जो है बेटा हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब टी टू हमारा क्या हुआ करता था बेटा, टी टू होता था हमारा वो इनपुट टैक्स जो इनपुट या इनपुट सर्विस पर है एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई कौन सी थी बेटे हमारे डाई के केस में, पिंक डाई थी, तो पिंक डाई की अमाउंट कितनी है, ब्राइट पिंक की है 90,000, ठीक है बेटा। फटाफट से माइनस करिए इसमें से टी टू, ये टी वन था हमारा, आई टी सी यूज्ड ऑन इनपुट या इनपुट सर्विसेज फॉर एक्सक्लूसिवली एक्सेम्प्ट सप्लाई, एक्सेम्प्ट सप्लाई ये कितना है बेटा 90,000 और ये हमारा टी टू। बात करते हैं बेटा टी थ्री की, माइनस करिए फटाफट से टी थ्री। टी थ्री क्या होता है हमारा, आई टी हुआ करता था बेटा इनपुट या इनपुट सर्विसेज पर जो इनएलिजिबल थे क्रेडिट के लिए, यानी ब्लॉक क्रेडिट के लिए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है, आंसर इज नो। तो बेटा हमारा टी थ्री तो निल हो जाएगा इस केस में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं निल टी थ्री, और यहाँ पर जो कंप्यूट होके आएगा वो आ जाएगा बेटा हमारा आई टी सी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कितना हो गया बेटा 1,00,000 रिड्यूस कर दीजिए, ये आ गया 1,55,000, ठीक है। अब इसमें से हम क्या रिड्यूस करेंगे, इसमें से हम रिड्यूस करेंगे वो आईटीसी जो इनपुट या इनपुट सर्विस पे लगा है जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई या बिजनेस पर्पस के लिए है, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है क्या, फटाफट से आइए, जो हमारी ब्लैक डाई है बेटा 40,000 की एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल पर्पस के लिए है, तो फटाफट से टी फोर को रिड्यूस कर दीजिए, माइनस मैं यहाँ पर बेटा डायरेक्टली लिख रहा हूँ टी फोर, 40,000 हम रिड्यूस कर देंगे। ये अमाउंट कितनी आएगी, ये अमाउंट आएगी सर 1,15,000। तो बेटा ये जो 1,15,000 की अमाउंट आई है ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो अपोर्शनमेंट के लिए अवेलेबल है। यहाँ तक ही हमने बेटा चार्ट पढ़ा था, ठीक है, इतना हो गया अब हमारा। अब आते हैं बेटा स्टेप टू पर, ये स्टेप वन हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। चलिए बेटा बात करते हैं स्टेप टू की। स्टेप टू क्या बात करता है, कंप्यूट क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जम्प्ट सप्लाई, इन एलिजिबल क्रेडिट इसमें इंक्लूड है, बाय अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। अब देखिए कॉमन क्रेडिट का बेटा अपोर्शनमेंट किया जाएगा, और जो ये अपोर्शनमेंट होगा ये क्या कहलाएगा, डी वन कहलाएगा। अब सी टू का हम अपोर्शनमेंट कर रहे हैं किस रेशो में करेंगे, ई अपॉन एफ ये हमारा रेशो रहने वाला है बेटा इन टू सी टू। सी टू क्या है बेटा हमारा क्रेडिट अवेलेबल फॉर अपोर्शनमेंट, तो ई क्या है इसमें, ई है बेटा एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। यहां पर टर्नओवर की बात की जा रही है, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर है वो डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। जो टोटल टर्नओवर होगा बेटा स्टेट का उस टैक्स पीरियड में, उससे हम डिवाइड कर देंगे, अपोर्शनमेंट हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है क्या। देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई करता है कि क्वेश्चन टर्नओवर दिया है बेटा हवाई स्लीपर्स का वो है 3 करोड़, और ऑल वेराइटीज ऑफ टैक्सेबल शूज एंड सैंडल वो है बेटा 2 करोड़। तो फटाफट से डी वन की कैलकुलेशन करिए, डी वन कितना कैलकुलेट होगा सर, डी वन यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा हमारा डी वन इक्वल्स टू सी टू मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ, ठीक है बेटा। सी टू कितना था बेटा हमारा 1,15,000, एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितनी है, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्वेश्चन ने स्पेसिफाई की है बेटा 3 करोड़, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर कितना हो गया बेटा 3 + 2 5 करोड़ हो गया। तो ये अपोर्शनमेंट करने के बाद कितनी आती है अमाउंट, ये आएगी सर 69,000। तो 69,000 क्या है बेटा हमारा डी वन है, यानी मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो 69 का क्रेडिट जो है हमारे केस में कौन है, मैन्युफैक्चरर इजी फुटवेयर, वो इसे अवेल नहीं कर सकती, वो इस क्रेडिट को नहीं ले सकती, ठीक है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट अब बात करते हैं, कंप्यूट क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पसेस डी टू एज अंडर। अब डी टू कंप्यूट करिए बेटा, डी टू क्या होगा 5% ऑफ सी टू। हमारा सी टू क्या कंप्यूट हुआ था बेटा, ध्यान देना सी टू हमारा कंप्यूट हुआ था 1,15,000,
ठीक है, अब उसका 5% कर दीजिए, वो क्या होगा, वो क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल होगा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। एक बेटा यहां पर बात याद रखना हमेशा, अगर क्वेश्चन में T1 दिया गया है तभी बेटा D2 निकाला जाएगा, अगर T1 नहीं है तो हम D2 फिर कंप्यूट नहीं करेंगे। T1 क्या था हमारा, इनपुट टैक्स था, जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज पर लगा हुआ था, जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हो रही थी नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है बेटा, इनकेस अगर T1 नहीं है क्वेश्चन में तो कोई भी हमारी नीड नहीं है कि हम D2 कंप्यूट करें। आप फटाफट से 5% निकाल दीजिए, 1,15,000 का कितना होगा, 5% ऑफ 1,15,000। ये हो गया बेटा 5,750। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे दो स्टेप फिनिश हो गए। थर्ड स्टेप क्या बात करता है, कंप्यूट एलिजिबल क्रेडिट। अब कौन सा क्रेडिट बचा है जो बेटा एलिजिबल है, यानी ये अमाउंट वो है जिसका असेसी जो है या रजिस्टर्ड सप्लायर जो है वो क्रेडिट ले सकता है। C3 इक्वल्स टू C2 माइनस D1 प्लस D2। C2 कितना था बेटा हमारा, फटाफट से 1,15,000, उसमें से रिड्यूस कर दीजिए क्या, 69,000 प्लस 5,750, दोनों को ऐड करके 1,15,000 में से रिड्यूस कर दीजिए, कितने बनेगी बेटा ये अमाउंट, फटाफट से बताइए कंप्यूट करके। सर ये जो अमाउंट आएगी वो आएगी 40,250। तो बेटा ये अमाउंट है हमारी C3, यानी ये अमाउंट वो है जिसका बेटा रजिस्टर पर्सन क्रेडिट ले लेगा इतनी अमाउंट का। टोटल उसने कितनी ले रखी थी पहले, 2,55,000, अल्टीमेटली उसे मिला क्रेडिट कितना, 40,250। ठीक है, चलिए बेटा अब स्टेप 4 की बात करते हैं। आइए स्टेप 4, रेस्ट्रिक्ट इन एलिजिबल क्रेडिट। जो इन एलिजिबल क्रेडिट है अब उसे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, बेसिकली रिवर्स किया जा रहा है बेटा D1 प्लस D2 को। D1 क्या था बेटा हमारा, 69,000 D1 था। D2 क्या आया था हमारा, D2 आया था सर 5,750। देखिए 69,000 ये हमारा D1 था और D2 हमारा 5,750 था, इनका टोटल कितना आया था बेटा, ये आया था सर 74,750। इनके टोटल को अब रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है उसमें ITC जब हम अवेल करते हैं वो क्रेडिट हो जाता है। रिवर्स का मतलब है कि उसका ऑपोजिट कर दीजिए, यानी अब 74,750 की अमाउंट को डेबिट कर दीजिए अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अमाउंट। ठीक है बेटा, लास्ट वाला नोट पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। कंप्यूट C3 सेपरेटली फॉर ITC ऑफ CGST, SGST, UTGST, IGST। देखिए CGST, SGST, UTGST एंड IGST के लिए सबके लिए C3 बेटा अलग अलग कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूट सिग्मा D1 प्लस D2, जो हमने कैलकुलेट किया बेटा D1 प्लस D2 फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर बाई टेकिंग एग्जेम्प्टेड टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न फॉर सेप्टेम्बर इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इस प्रोविजन में बात करता है बेटा, जो D1 और D2 है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का कंप्यूट करना होगा असेसी को। पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर होगा उसके बेसिस पर ये कंप्यूट किया जाएगा। बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न फॉर सेप्टेम्बर इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, इस लाइन का क्या मतलब है, कब कंप्यूट करना है SSC को, ये SSC को कंप्यूट करना है बेटा जो ड्यू डेट होगी बेटा फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के सेप्टेम्बर मंथ की, उस डेट से पहले पहले बेटा D1 प्लस D2 की कंप्यूटेशन हो जानी चाहिए। जैसे बेटा बात करें एक एग्जाम्पल की, समझिए सपोज बेटा मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, और इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है बेटा 2019-20। ठीक है बेटा, तो लॉ बात करता है बेटा कि जो D1 और D2 कंप्यूट किया जाएगा मिस्टर ए के केस में वो कौन से टर्नओवर के बेसिस पे किया जाएगा, जो बेटा फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 2019-20 का, उस टर्नओवर के बेसिस पर ये कंप्यूट होगा, जिसमें टैक्सेबल टर्नओवर भी इंक्लूड होगा और एग्जेम्प्टेड टर्नओवर भी इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा, यानी अगर हम बात कहें 31 मार्च 2020 तक जो टर्नओवर था मिस्टर ए का उस बेसिस पर ये बेटा कंप्यूट होगा। ठीक है, तो प्रोविजन यहाँ पर क्या बात करता है बेटा, देखिए कि इन केस मिस्टर ए जो है 31 मार्च 2020 तक बेटा ITC अवेल नहीं कर पाए, तो वो कहाँ तक अवेल कर सकते थे, मैंने आपको बताया था
जो फाइनेंशियल ईयर होता था फॉलोइंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, उसके सितंबर मंथ की जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती थी वहाँ तक ले सकते थे, या जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो डेट है, जो दोनों में पहले हो वो ले लिया करते थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी बेटा लॉ ने प्रोविजन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताया है कि जो D1 या D2 है ये कब तक कंप्यूट कर सकता है असेसी, ये कंप्यूट कर सकता है बेटा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की वहाँ तक कर सकता है, यानी 20th अक्टूबर 2020 तक बेटा इस केस में ये D1 D2 की कंप्यूटेशन कर सकते हैं। समझ आ गया? लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना बेटा, जब 20 अक्टूबर 2020 को कंप्यूटेशन हो रही है D1 या D2 की, तो उस केस में टर्नओवर क्या लेंगे सर? बेटा टर्नओवर जो लेंगे वो 31 मार्च 2020 वाला ही लेंगे, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया प्रोविजन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ सिग्मा D1 प्लस D2 ग्रेटर देन द अमाउंट ऑलरेडी रिवर्स्ड एवरी मंथ, द डिफरेंशियल अमाउंट हैज़ टू बी रिवर्स्ड इन एनी मंथ टिल सेप्टेम्बर इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% शुड बी पेड ऑन सच डिफरेंशियल अमाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू द सक्सीडिंग ईयर टिल द डेट ऑफ पेमेंट। देखिए बेटा एक बात समझिए, ये जो ITC की कैलकुलेशन होती है बेटा, ये हर महीने किया करता है रजिस्टर पर्सन। जितना भी उसका ITC बना वो उसका क्रेडिट लेता है, जो भी उसका रिवर्सल बनता है वो क्या करता है, डेबिट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है, या पे कर देता है गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, असेसी कंप्यूट कर रहा है D1 प्लस D2 की अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, अब लॉ यहां पर बात करता है कि ये जो D1 प्लस D2 की जो अमाउंट आई है, अगर ये ज्यादा है किस अमाउंट से, जो असेसी ने बेटा ऑलरेडी रिवर्स कर रखी है, यानी हर महीने जो वो रिवर्स करता है, तो असेसी को बेटा इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा? रेट रहेगा बेटा 18%, और अमाउंट क्या होगी सर? अमाउंट होगी बेटा डिफरेंशियल अमाउंट, यानी वो अमाउंट जो ऑलरेडी असेसी पे कर चुका है उसे माइनस कर दिया जाएगा D1 प्लस D2 की जो टोटल अमाउंट है। ठीक है बेटा, जो अमाउंट बचेगी बेटा, जो पॉजिटिव अमाउंट बचेगी, उस पर इंटरेस्ट पे करेगा असेसी 18% के रेट से। कब से कब तक पीरियड क्या रहने वाला है? पीरियड रहेगा बेटा 1 अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, जो सक्सीडिंग ईयर यानी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका 1 अप्रैल से कब तक, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जो डेट होगी पेमेंट की तब तक। बात करें दूसरे केस की, इन केस जो D1 प्लस D2 की जो अमाउंट है वो क्या है बेटा, कम है, जो ऑलरेडी रिवर्स कर दी है असेसी ने, तब क्या होगा? तब लॉ यहां पर बात करता है कि जो असेसी ने अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर दी है वो उसे क्लेम बैक कर ले, अपनी रिटर्न में उसे क्लेम कर ले। कौन सी रिटर्न में? सितंबर मंथ की जो रिटर्न होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, मैक्सिमम वो वहां तक उसे क्लेम कर ले। ठीक है, इतना प्रोविजन समझ आ गया। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास, अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।